हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे पास एक JBL का एयरपोर्ट है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी PCB कैसे रिपेयर करें, या कोई भी बोर्ड है तो उसकी PCB कैसे रिपेयर करें। तो इस वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों। पहले मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें दो तार हैं, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस लगाएंगे यहाँ पर। और जो इसका बोर्ड है वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल जो है डेड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप से यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे इसका, प्लस से प्लस लगा लिया और माइनस से माइनस। तो यहाँ पर इसमें कोई लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। ये बटन इसका ऑन करना है, जिससे के बाद यहाँ पर लाइट जलती थी, ये लाइट नहीं जल रही है दोस्तों। और इसके अंदर मैं पहले ही बता दूँ, जो इसका चार्जिंग जो बोर्ड है दोस्तों, उसी में ही प्रॉब्लम है। और बाकी ये दोनों सही चल रहे हैं, क्योंकि इनकी बैटरी मैंने अभी चेंज की थी। तो ये देखिए अभी, तो ये दोनों सही काम कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम इसका फॉल्ट देखेंगे और फिर चला के हम देखते हैं कि ये रिपेयर हो पाता है नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अभी हम इसका बोर्ड खोल लेते हैं एयरपोर्ट का, और ये बैटरी हम साइड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हम इसका बोर्ड खोलेंगे फटाफट से। इसका बोर्ड हम खोलेंगे और फिर हर एक कंपोनेंट को चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी PCB है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी PCB आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम रिपेयर करेंगे यहाँ पर अभी, ठीक है। इसके अंदर जो फॉल्ट होगा दोस्तों, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हम इसे रिपेयर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले आप PCB को देख लो, PCB समझाने की कोशिश करूँगा मैं पहले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे PCB है इसकी। तो PCB में समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से क्या क्या वोल्टेज आएगी, जिसके बाद हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम चार्जिंग इनपुट देंगे, उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज आएगी प्लस और माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस वोल्टेज आएगी दोस्तों। जब ये चार्जिंग हो रहा होगा तब 5 वोल्ट आएगी, मतलब ईयरबड्स जो है हमारे चार्जिंग हो रहे होंगे, तब 5 वोल्ट यहाँ पर आएगी आउटपुट, और अदरवाइज़ यहाँ पर 3.7 वोल्ट आएगी जिस टाइम पे चार्जिंग नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हैं, इसमें एक ही साइड कंपोनेंट लगे हैं। तो अब मैं वो आपको चेक करना बता रहा हूँ हर एक कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कोशिश करूँगा मैं बताने की। ये इसकी IC लगी हुई है यहाँ पर, ये IC लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ R50 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ 100K का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 10K का रेजिस्टेंस, सॉरी ये रेजिस्टेंस है 100K का, ये 103 मतलब 10K का है, और यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और ये 1 AM ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पर 4 LED लगी हुई हैं जो कि इसके चार्जिंग स्टेटस को दिखाती हैं, चार्जिंग स्टेटस को यहाँ पर दिखा रही हैं। और R3 एक जम्पर लगा हुआ है, ठीक है। और 1 AM ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, और एक ये R6 103 लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर करना देखेंगे अब फटाफट से। हम मीटर ऑन कर लेते हैं, और तो इसके लिए मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ पर, और जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूँ दोस्तों, वैसे वैसे मैं टेस्टिंग भी करूँगा। तो मैं फटाफट से मल्टीमीटर ले लिया मैंने, और यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीमीटर ले लिया है मैंने, ठीक है, इस टाइप से। तो अब मैं इसकी वैल्यू चेक करता हुआ चल रहा हूँ फटाफट से, क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 103 है, तो 103 का मतलब 10K आना चाहिए, यहाँ पर 10K आ रहा है फटाफट, यहाँ पर 0K आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 104K मतलब 100K, इसका मतलब 100K आएगा इसमें, और उसके बाद 10K यहाँ पर, ये 100K आ गया यहाँ पर, 100K होगा यहाँ पर, आएगा 10K आ रहा है। उसके बाद इन्होंने 0 जंपर का दे रखा है, यहाँ पर 1 ओम आएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पर 1 ओम आ रही है, और यहाँ पर भी बीप कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, ये सब बीप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें एक बटन हो रहा है, उसको और हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बटन लगा दिया मैंने, बटन के डायगोनल
वाली साइड में हम लगाएंगे और हम चिमटी से इस बटन को ऑन करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बटन भी ऑन हो रहा है, बटन सही है हमारा, और ये फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम कुछ और कंपोनेंट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें हम देख लेते हैं कि कोई कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है इस पीसीबी के अंदर। ठीक है, नहीं तो फिर इसकी जो है मेन आईसी जो है वो ख़राब हो रखी होगी। इस बोर्ड के अंदर जो इसकी मेन आईसी है वो ख़राब है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पर 1 AM, तो वो हम चेंज करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ 1 AM, क्या पता इसकी वजह से ये नहीं चल रहा हो, लीकेज हो सकता है इस ट्रांजिस्टर में, इसकी वजह से क्या पता नहीं चल रहा हो, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस बोर्ड को हम रिपेयर करके ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ये ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसके अंदर हम रिपेयर करना बताएंगे। इसमें ऐसा कोई फॉल्ट पता चल नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसमें या तो फिर इसकी आईसी ख़राब होगी या फिर इसका जो ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है ये इसमें ख़राब है। ठीक है, उसके बाद ही हमारा जो है एयरपोर्ट है जो वो हमारा रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।